मुझे अभी मैं अभी अवगत हुआ हूँ कि एक्सपोज इंडिया का 4 साल उत्तर प्रदेश में पूरा हो गया है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह आप सही समाचार अपने पब्लिक के बीच में रखेंगे और सक्रिय होके आप हर प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करके आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। मेरे आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। लॉकडाउन 3.0 शुरू होने के बाद गृह मंत्रालय ने लोगों को कुछ जरूरी सामान मुहैया कराने का आदेश दिया है। सरकार के मुताबिक शराब भी लोगों के लिए जरूरत का सामान ही है, इसीलिए जब से शराब की दुकानें खुली हैं तब से अलग अलग तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आप भी देखिए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसे दिल्ली के त्रिलोकपुरी का बताया जा रहा है। साफ तौर पे दिखाई दे रहा है व्यक्ति कितने नशे में धुत है और पुलिस के साथ मारपीट कर रहा है। व्यक्ति इतना नशे में धुत है कि उसने पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ दिया। शराब की दुकानें खुलने के बाद लोगों के लिए जाम में ही जहान नजर आ रहा है, तो पुलिस वाले कहाँ पीछे रहते? ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसे आंध्र प्रदेश का बताया जा रहा है। तस्वीर के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है पुलिस वाला क्वार्टर पैक के साथ नहीं, पूरी पैक की बोतल को ही किस तरह से घटक रहा है। कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जो बेहद ही शर्मनाक है, जिसे देखने के बाद तो लगता है यदि आप शराब लेने जा रहे हैं तो सीना तान के जाइए, लेकिन आप पानी लेने जा रहे हैं तो आपको पुलिस के डंडे खाने पड़ेंगे। अभी लट्ठे भी पड़ जाएंगे। पूरा तो मत करेंगे, ऊपर बात करेंगे, चोरी करेंगे, पानी लेने जा रहे हैं। क्या आदमी क्या आता है पानी नहीं? हां मेरे को मना कर दिया। ये बहस कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, मना कर दिया। आ जाओ भैया, क्या बात है ये बोलो। पानी लेने जा रहा हूं, मना कर रहा हूं, ठीक है रुक जा। अरे भैया जब वो मना कर गया, उसने मना कर कहा तो वो छोड़ देगा, चला जाएगा। आ जाओ भैया, थोड़ा इधर आ जाओ, समझा लिया इनको। क्या समझा? डंडा ला। बहस कर रहे हैं, मेरे को मना करा, उठ आने जाने दे। आ जाने दे, हमारी नौकरी कर रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसे नोएडा के सेक्टर 22 का बताया जा रहा है। इस तस्वीर के अंदर कुछ व्यक्ति हैं पानी लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति इनके साथ उलझता हुआ नजर आ रहा है। एक पुलिस वाला आता है, व्यक्ति को लात घूंसे मारता है और भद्दी भद्दी गालियां देता है। महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। फिर एक वीडियो मुंबई के अस्पताल से वायरल हो रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो मुंबई के एक अस्पताल का है। इस वीडियो के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरह से एक बेड के ऊपर दो दो मरीज दिखाई दे रहे हैं, जो सरकार लगातार कह रही है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन अस्पतालों में इसकी पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। सच में चाइना ने टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है, इसीलिए कोरोना महामारी से जीतने के बाद उनके स्कूलों में बच्चों को किस तरह से प्रटेंड किया जा रहा है, आप इस वीडियो में देखिए। 花就开了，最幸福你敢说，什么都别说。 इसी तरह की खबरें मैं आप तक लेके आते रहूंगी, आप बने रहिए एक्सपोज इंडिया के साथ। हाय गाइस, दिस इज आलिया भट्ट, यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वाचिंग।